सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, मेटल और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में रही। यही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में उछाल रहा, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 359 अंक चढ़कर 70,865 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 105 अंकों की उछाल के साथ 21,255 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। लखनऊ से वहां के अकबरपुर इलाके में अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान वहां प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे बीजेपी नेता को भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इस बवाल के बीच ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आ गया और कोर्ट ने 22 जनवरी तक अकबरपुर के उस इलाके में किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद वहां रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन इस फैसले के आने से पहले लखनऊ के अकबरपुर के उस इलाके में जमकर बवाल हुआ, क्योंकि अवैध इमारतों को गिराने के लिए जैसे ही पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंची, वहां रहने वाले लोगों ने मोर्चा खोल दिया और जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए और उसके बाद वहां हालात तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें कुछ लोग भागते नजर आए और पुलिस उन पर लाठियां बरसाती दिखी। इस दौरान बीजेपी के एक नेता भी लोगों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हंगामा करने लगे। ऐसे में जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही भिड़ गए और उसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ। ऐसे में भीड़ को यार इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है, नहीं पर इन्वेस्ट कहाँ करूँ? इंडेक्स म्यूचुअल फंड से शुरू कर, इंडिया बढ़ेगा, सेंसेक्स उठेगा और जताने लगे। लेकिन वहाँ हालात तब और बिगड़ गए जब खुद को बीजेपी का महानगर मंत्री बताने वाले मंगल झा नाम के नेता को पुलिस ने घेर लिया और उन पर लाठियां बरसा दी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उनके वहां पहुंचते ही प्रदर्शन उग्र हो गया। और ऐसा होते ही सबसे पहले पुलिस की नजर में खुद को बीजेपी का महानगर मंत्री बताने वाले मंगल झा ही आ गए। इसके बाद तो वो पुलिस की घेरेबंदी में बुरी तरह फंस गए और पुलिस के जवान उन्हें खींचकर अपने साथ ले जाने लगे। इसकी जो तस्वीर आई उसमें लाठी चार्ज के दौरान पुलिस उन्हें भी लाठियां मारती दिखी, जहां एक तरफ एक पुलिसकर्मी ने पीछे से उन पर दो बार लाठियां बरसाई तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिसकर्मी उन्हें धक्का मारते दिखे और इस दौरान वो कई बार अपनी टोपी संभालते नजर आए। लेकिन वहां जारी धक्का मुक्की के बीच एक पुलिसकर्मी ने उनकी टोपी खींच ली। इसके बाद वहां दो महिला पुलिसकर्मी भी आईं और उन्होंने उनका बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच भीड़ में किसी ने उनके मुंह पर मुक्का जड़ दिया और उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी आगे से उनका कुर्ता खींचते दिखे तो दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें पीछे से खींचते हुए वहां से ले जाने की कोशिश करने लगे और इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि जैसे ही पुलिस वहां अवैध इमारतों को गिराने पहुंची लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान खुद को बीजेपी का महानगर मंत्री बताने वाले मंगल झा भी वहां नारेबाजी में जुट गए। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी के महानगर मंत्री को हिरासत में ले लिया। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें पुलिस उनके कपड़े पकड़कर उनको खींचकर वहां से ले जाती दिखी। तस्वीरों में एक पुलिसकर्मी अपने एक हाथ से उनकी गर्दन को पकड़े नजर आए तो दूसरे हाथ से उनके एक हाथ को पकड़ते दिखे। वहीं एक दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें पीछे से धक्का मारते हुए वहां से ले जाते दिखे। इस दौरान जब उन्होंने खुद को छुड़वाने की कोशिश की तो एक पुलिसकर्मी ने उनकी कॉलर पकड़ ली और उन्हें खींचकर वहां से ले गए, क्योंकि आरोप है कि उनकी अगुवाई में प्रदर्शन कर रही भीड़ उग्र हो गई और पुलिस के साथ भिड़ने लगी और उसी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की कार्रवाई नहीं रुकी और वहां मौजूद कई अवैध इमारतों को ढा दिया गया। इसके बाद बिल्डिंगों को तोड़ने के काम में लगी टीम को वहां रहने वाले लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और वो सड़कों पर आकर हंगामा करने लगे। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें प्रशासन का बुलडोजर वहां बनी अवैध दुकानों को तोड़ने के लिए तैनात नजर आया और उसे देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और वो प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने लगे।
ऐसे में प्रशासन की ओर से उन लोगों से वहां से हटने की अपील की गई। इस दौरान वहां मौजूद एक महिला हाथ जोड़कर प्रशासन से कार्रवाई रोकने की गुहार लगाती नजर आई। रस्सी सब तोड़ने लगे, दुकानें सब तोड़ दिया, अब हम लोग सामान निकाल रहे, सामान भी नहीं ले जाने दे रहे। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान वहां रहने वाले लोगों ने जमकर बवाल मचाया, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन अपनी कार्रवाई से पीछे नहीं हटा और वहां मौजूद कई अवैध मकानों और दुकानों को तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अचानक उस वक्त उन लोगों की जान में जान आ गई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 जनवरी तक वहां किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। वहां अवैध तरीके से बनाई गई कई इमारतों को ध्वस्त करने के लिए एक बड़ी टीम पहुंची थी, लेकिन प्रशासन को अपना बुलडोजर रोकना पड़ा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 जनवरी तक अकबरपुर के उस इलाके में किसी भी तरीके की तोड़फोड़ कर रोक लगा दी। दरअसल वहां रहने वाले कुछ लोगों और दुकानदारों ने कोर्ट में याचिका डालकर लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन इससे पहले कि कोर्ट से कोई निर्देश आता, सुबह प्रशासन बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण को ढहाने पहुंच गया। हालांकि दोपहर होते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी।